नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का 14वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, 14वें प्रश्न में ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। बच्चों ध्यान से देखना, एक ही केंद्र है ओ, उससे एक छोटी चाप बनी है ऐसे, जिसे हम त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं। यह है सी, यह डी, और इसी प्रकार से एक बड़ी चाप बनी है यह भी केंद्र ओ है, यह भी केंद्र ओ है, बड़ी चाप बनी है ए बी, है ना। छोटी चाप का जो त्रिज्या है वो है 7, बड़ी चाप की त्रिज्या है 21। ठीक है बच्चों, दोनों का ही ये जो मध्य वाला कोण है ये सेम है 30 डिग्री। ओके, तो बच्चों इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप फिगर को ध्यान से देखेगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, छायांकित भाग का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, बड़ी त्रिज्य खंड में से ये जो बड़ी जिसपे मैं अपना पेन मूव कर रहा हूं, ये बड़ी त्रिज्य खंड में से ये छोटे वाला त्रिज्य खंड माइनस कर देंगे। बड़े वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से यदि मैं ये छुटकू सा छोटू सा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तो आइए इसको शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड बड़े वाले का नाम होगा ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस, मेरे पास जगह कम है मैं इसलिए नीचे नीचे लिख रहा हूं, आपने बराबर लिख लेना है, ठीक है। माइनस इसमें से क्या माइनस करेंगे, छुटकू सा ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसका छुटकू का नाम क्या होगा, ओ सी डी, त्रिज्य खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बच्चों देखो, फार्मूला त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि यहां पे दो आर है, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़े त्रिज्य खंड के लिए मैं कैपिटल आर लिख लेता हूं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और छुटकू से के लिए लिख देता हूं छोटा आर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये सिर्फ आपको यह बताने के लिए है कि दोनों में आर अलग होगा, बड़े वाले में आर बड़े वाली होगी, त्रिज्या बड़े वाली होगी यानी 21 सेंटीमीटर, छोटे वाले में आर छोटी होगी यानी छुटकू सी होगी, कितनी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाकी सब सेम ही है, तो आइए हम यहां वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन में हमें वैल्यू नहीं दी हुई पाई की, इसलिए हम पाई की वैल्यू लेंगे 22/7। तो देखो ये आ गया 22/7 गुना आर स्क्वायर, बड़ा आर कितना है 21, 21 गुना 21 गुना थीटा, थीटा वही है दोनों में 30 डिग्री बटा 360। माइनस करेंगे बच्चों, यहां पर भी 22 पाई की वैल्यू वही रहेगी, इसको मैं अलग ब्रैकेट में रख लेता हूं, इसको अलग ब्रैकेट में रख लेता हूं, गुना आर स्क्वायर। अब बच्चों ये छोटे वाला आर है यानी छोटी त्रिज्या, और छोटी त्रिज्या कितनी है 7, तो इसको लिख देंगे 7 गुना 7 गुना थीटा, थीटा थीटा कितना है, थीटा वही है 30 बटा 360 डिग्री, तो 360 हमने यहां भी लिख दिया और ये ब्रैकेट हो गई बंद। समझ आया बच्चों, कई बुक्स में कई गाइड्स में या कई जगह आप ऑनलाइन देखोगे बड़ी त्रिज्या खंड अलग निकाली है, छोटी त्रिज्या खंड अलग निकाली है, फिर दोनों को माइनस किया, वैसे भी कर सकते हो, मगर मुझे ऐसा लगता है इससे क्वेश्चन हमारा थोड़ा छोटा लगता है, छोटा रहता है, बड़े क्वेश्चन से बहुत डर लगता है, मुझे भी बचपन में बहुत डर लगता था जब बड़े बड़े क्वेश्चन हमें मैथ्स के सॉल्व करने पड़ते थे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है, ये नहीं लिखना है हमने। ओके, तो आओ आप आगे देखते हैं। बराबर बच्चों, यहां दो तरीके हैं इसको हल करने के,
मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, आप देख लेना आपको जोन सा अच्छा लगे। पहला तरीका यह है, देखो यहां भी 22/7 है, यहां भी 22/7 है, यहां भी 360 नीचे है, यहां भी 360 नीचे है। तो एक तरीका तो यह है 22/7 गुना 360 को कॉमन ले लो, बाकियों को सॉल्व कर लो। एक तरीका इसको ऐसे ही हल कर लो, तो मैं इसको ऐसे ही हल करूंगा। देखो जीरो से जीरो कट गया, 3 × 3 और 12 × 36, ओके। 7 × 7 = 21, 3 × 3 = 12 और 4 × 2 = 2×4 और 11×2 = 22। समझ आया कि गुम हो गए? चलो एक बार दोबारा थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपकी सुविधा के लिए, हमने इसको जूम भी कर दिया। अब दोबारा देखते हैं क्या किया मैंने, कोई जादू नहीं किया बेटा। देखो जीरो से जीरो काटी, 3 × 36 काटा, 3 × 3 = 12 × 36। उसके बाद मैंने 7 × 21 काटा, 7 × 21। अब ये 3 × 12 काटा, 3 × 12 तो 12 कट के लिख दिया 4। अब ये 4 था, यहां 22 था, दोनों 2 के पहाड़ में आते हैं, 4 × 2 = 2×4 और 22 × 11×2 = 22। बस यही किया हमने। अब जो बच गया हम उसको गुना कर लेंगे आपस में, ठीक है। तो देखते हैं नीचे क्या बचा। देखो नीचे 7 कट गया, ये कट के बाकी बच गया 2। ऊपर क्या बचा देखो, यहां है 11, ये कट चुका है, यहां है 21, 11 और 21, 11 × 11 हासिल आया 1, 11×2 = 22 और 1 = 23। तो ये आया है 231/2 माइनस। आगे देखते हैं, अब यहां भी बच्चों यही होगा, 231/2 लिखा है अभी मैंने। अब आगे देखना यहां भी यही कैलकुलेशन होगी। देखो जीरो से जीरो कटेगा, 3 × 3 = 3, 12×2 = 36। अब देखो मैं दो अलग अलग कलर्स यूज इसीलिए करता हूं ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे, पहले क्या लिखा था अब क्या लिखा है। उसके बाद बच्चों ये 7 तो सीधा ही 7 से कट गया, राइट। 2 × 2 = 12, 11×2 = 22, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा, देखो नीचे बचा है 7 कट गया, यहां से बचा है 6, ऊपर हमारे पास यहां से बचा है 11 × 7, 11 × 7 होता है 77, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 231/2 माइनस 77, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को ही, सॉरी ये मैं भूल जाता हूं कि मैंने यहां पे जूम किया हुआ है, हाँ। तो यहां से इसको सॉल्व करके आया था 231/2 माइनस, इसको सॉल्व करके आ गया 77/6। कहीं से ना समझ आए तो वीडियो पीछे ले जाकर दोबारा समझना जरूर। हम इन दोनों को ही दशमलव में बदल देते हैं, 231 को 2 से भाग करने पर हमारे पास आ जाएगा 115.5, ये आप भाग करके देख सकते हो, माइनस इसके साथ है सेंटीमीटर के। 77 को जब हम 6 से भाग करेंगे, 77 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.83 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 115.5 में से 12.83 माइनस करना है। तो देखो 115.5 और 12 दशमलव के नीचे दशमलव 83, ऐसे लिखते हैं बच्चों इसको, बहुत से बच्चे इसको लिखने में गड़बड़ करते हैं। तो जब भी प्लस या माइनस होगा तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है, ओके। अब यहां इसके ऊपर कुछ नहीं है तो अपने आप ही जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद जितने मर्जी जीरो लग सकते हैं। अब हमने इसको करना है माइनस, 10 में से 3 निकाले 7, यहां बच गया 4, ये इसे एक उधार लेगा 14, 14 में से 8 गए 6, यहां है दशमलव, इसने एक इसको उधार दिया था, यहां बच गया 4, 4 में से 2 निकाले 2, 11, 11 में से 1 निकाला 10। तो हमारे पास जो उत्तर आ गया है वो आ गया है 102.67, 67 नहीं बोलना इसको, 67 नहीं बोलना, 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो है बच्चों 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है। तो बच्चों देखो प्रश्न बहुत इजी था, बहुत आसान था, हमने बड़े त्रिज्य खंड में से छोटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा पॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा पॉन 360, बड़े के लिए जो आर थी वो थी 21, छोटे के लिए आर थी 7, थीटा दोनों में था 30, इनको सॉल्व किया, बड़े आसानी से हमारे पास ये उत्तर आ गया है। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से
आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आप अन्य प्रश्न के वीडियो देखकर उन्हें समझ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।